दोस्तों, दुनिया में हर सेकंड कहीं ना कुछ घटना होती ही रहती है। इनमें से कुछ घटनाएं हैरान कर देने वाली होती है तो कुछ घटनाएं हमारे दिल को छू जाती है, और इन घटनाओं को सामने लाने में गैजेट्स हमारी मदद करते हैं। जी हाँ, वही गैजेट्स जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, जिनकी मदद से हम अनेक काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इन गैजेट्स ने लोगों के मोबाइल और दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कई बार ऐसी घटनाओं की फोटोज को कैद किया है, जो अगर रिकॉर्ड ना होती तो हमें उन घटनाओं पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये बात तो सच है कि मोबाइल फोन और सीसीटीवी आने के बाद हमारे पास दुनिया भर में घट रही अविश्वसनीय घटना अब हम घर पर ही देख सकते हैं, और हम आपको ऐसी कुछ खौफनाक मंजर वाली घटनाओं से रूबरू कराएंगे जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अपना सिर पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में उड़ने वाला जीव दिखाएंगे जो एक चमत्कार से कम नहीं है, जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। साथ ही आपको एक ऐसे आदमी की किस्मत दिखाएंगे जिसका आकाशीय बिजली भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक तो कर दो। नंबर एक, दोस्तों, भूत किसने देखा, कब देखा, ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम में से कई लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि भूत होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भगवान भी होते हैं। देखा गया है कि जो लोग भगवान को मानते हैं वो भूत पर भी विश्वास करते हैं। खैर, ये तो हुई विश्वास की बात, लेकिन आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देख आप विश्वास करें ना करें लेकिन डर जरूर जाएंगे, क्योंकि कैमरे और टेक्नोलॉजी की नज़र से कोई नहीं बच पाता। ऐसे ही एक बहुत ही स्ट्रेंज तरह का इंसिडेंट एक दुकान के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कुछ लोग हमें दुकान में बेंच के ऊपर बैठे दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी उनके पास से गुजरता है, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी में उसकी परछाई दिखाई नहीं देती, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। हालांकि उससे पहले एक आदमी वहां से गुजरता है और उसकी परछाई शीशे में दिखाई देती है, जिससे नकली शीशा होने का डाउट भी नहीं रहता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शायद ये कोई एडिटिंग का कमाल हो, क्योंकि आजकल कई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ चुकी है, मगर कुछ नहीं कह सकते, ये कोई सच्ची घटना भी हो सकती है। नंबर दो, दोस्तों, आपने भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की कई सारी वीडियोस देखी होगी, जिन्हें देखकर हम हक्का बक्का रह जाते हैं और पहले तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। उसके कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा है जिसे हम इंसान नहीं रोक सकते। ऐसी ही एक लैंडस्लाइड वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पत्थर उछल कूद कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, जो एक नजर देखने में किसी वोल्केनो या बाढ़ की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बता दे, ये पहाड़ पर हुई लैंडस्लाइड मिट्टी है जो कि पहाड़ से बड़ी तेजी के साथ फिसलकर नीचे गिर रही है, और जब ये मिट्टी किसी चीज से टकराती है तो ये ऊपर की तरफ उछलकर दूर तक हवा में उड़ रही है। ये इतनी तेजी से लैंडस्लाइड हो रहा है कि ऐसा लगता है कि कोई भयानक सैलाब आ रहा हो। इसकी सबसे खतरनाक बात ये है, जब लैंडस्लाइड फिसलता है तो इसके फोर्स से कुछ पत्थर भी उछल रहे हैं, जो कि किसी को भी लग सकते थे या चोट पहुंचा सकते थे। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इनकी किस्मत अच्छी निकली और कोई हादसा नहीं हुआ। नंबर तीन, दोस्तों, बारिश के मौसम में अक्सर बादलों में बिजली चमकती है और जमीन पर गिरती भी है, जो कि अक्सर नुकसानदेह भी होती है। कहा जाता है कि जिस जगह बिजली गिरती है वहां कभी घास नहीं उग पाती, अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो जान भी जा सकती है, नहीं तो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। इससे बचने के लिए कुछ सलाहें दी जाती है जिनका पालन अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें बिजली बहुत बुरी तरह से गिरी, लेकिन उस आदमी को एक खरोच भी नहीं आई। आप ये वीडियो देखिए, जिसमें देखा जा सकता है कि इत्तफाक से एक आदमी अपने घर के सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी उसके घर के पास वाले बड़े पेड़ पर बिजली गिरी, जिसने लगभग उस पेड़ को चीर कर रख दिया। इसमें सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आज तक इस बात का अनुमान कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाए कि बिजली किस जगह और कब गिरने वाली है, लेकिन इस आदमी की किस्मत अच्छी थी, वरना बिजली इसके पास गिरकर इस आदमी को भी गहरा नुकसान हो सकता था और ये बुरी तरह घायल हो जाता। नंबर चार, शायद आपको भी पता होगा कि पेड़ हमारे जीवन में भोजन और पानी की तरह ही महत्वपूर्ण है। पेड़ के बिना जीवन बहुत कठिन बन जाएगा, या हम कह सकते हैं कि जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें स्वस्थ और समृद्ध जीवन देने में पेड़ बहुत मुख्य पहलू हैं, जिसका हमें आभारी होना चाहिए तथा इसको सम्मान देने के साथ ही मानवता की भलाई के लिए संरक्षित करना चाहिए।
दोस्तों अब आप ये वीडियो देखिए, जहां लोगों को एक गाड़ी मिली जिसके अंदर एक बड़ा सा पेड़ गाड़ी की छत से आर पार होकर बाहर निकलता हम देख सकते हैं। और ये कोई छोटा पौधा नहीं है जो हम अपने घर या बालकनी में लगाते हैं, बल्कि ये एक बहुत ही ऊंचा पेड़ है जो एक दिन या रात में तो नहीं उग सकता। लोगों को भी ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये पेड़ बिल्कुल असली था। ये कैसे हुआ आज भी लोग सोच विचार करते हैं। शायद अगर हमें इस वाक्य के बारे में और जानकारी मिल पाती तो हम आपसे उसे शेयर जरूर करते, लेकिन फिलहाल के लिए ये घटना एक रहस्य बनकर रह गई है। कोई नहीं जानता ये कब और कैसे हुआ। नंबर 5, दोस्तों वैसे तो दुनिया में कई तरह के जानवर हैं, लेकिन इस धरती पर कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई दूसरा जानवर नहीं है। वे इंसानों में इस कदर विलीन हो गए हैं कि वे उनसे दूर नहीं रह सकते। माना जाता है कि इंसान और कुत्ते हजारों सालों से एक साथ हैं। जैसे कुत्ते इंसानों के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह मनुष्य कुत्तों के बिना नहीं रह सकता। आपने दुनिया में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने पालतू कुत्तों से कितना प्यार करते हैं कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये कुत्ते हम इंसानों को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि एक आदमी जब सुबह उठा तो उसने देखा किसी ने उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ के खोल कर रख दिया है, जबकि रात को उसने गाड़ी ठीक ठाक ही छोड़ी थी। उसे लगा कि चोरों ने या किन्हीं बदमाशों ने उसकी गाड़ी की ये हालत की है। फिर उसने इस बात की कंप्लेंट पुलिस में की, और जब पुलिस ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो कहानी कुछ और ही सामने आई, क्योंकि उस आदमी की गाड़ी की ये हालत किसी चोरों ने नहीं बल्कि कुछ कुत्तों के गैंग ने की थी। उन कुत्तों ने उस आदमी की गाड़ी को कुछ इस तरह खोल डाला था जिसे देखकर किसी चोर ने उस गाड़ी को चोरी करने के इरादे से खोला हो और वो सफल नहीं हो पाया होगा। लेकिन जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए, और वो आदमी सोच रहा होगा कि इन कुत्तों के गैंग ने न जाने कौन से जन्म का बदला मुझसे लिया है। नंबर 6, दोस्तों आपने पैरानॉर्मल के बारे में सुना है। पैरानॉर्मल सीधे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसी साधारण घटनाएं जो फिलहाल इंसान की समझ से परे हैं और विज्ञान की समझ से भी परे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काफी लोग अलग अलग जगह पर महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि जब पैरानॉर्मल स्थिति चल रही होती है तब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें, और फिर ऐसी घटना होने के बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने आसमान में उड़ते हुए एक आदमी जैसे जीव को रिकॉर्ड किया है, और वो भी दिन दहाड़े। ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ, लेकिन इस बारे में कुछ पता न चलने के बाद इस बात को दबा दिया गया। और अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सी तेज है तो आपको शायद पता होगा कि कुछ साल पहले हमारे भारत में भी ऐसा ही एक उड़ने वाले जीव का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे काफी लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा था। इन वीडियोस को देखने के बाद एक ख्याल दिमाग में जरूर आता है कि क्या हमारे साथ इस दुनिया में कोई और भी रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता। दोस्तों हम सबकी जिंदगी ऐसी घटनाओं से भरी हो सकती है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो कुछ इसे वहम समझकर दिल को समझा लेते हैं, जिसे हम भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत में पैरानॉर्मल एक्टिविटी उतनी ही सच्ची है जितना विज्ञान। आप इन घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।